सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में अगर आप भी खुद को फिट और स्वस्थ रखना चाहते हैं लेकिन जिम जाकर घंटों वर्कआउट करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आज हम आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसे आप अपने ही घर के अंदर मात्र 15 से 20 मिनट करके खुद को एकदम फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जिन्हें आप अपने घर में कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करना होगा। सर्दियों का मौसम अभी लगभग आ चुका है ऐसा नज़र आता है, और इसमें ऐसे लोग जिनके पास समय बहुत कम रहता है, ना के बराबर समय रहता है, वो लोग घर में रह कर के बिना जिम जाए कैसे अपने आप को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं, तो क्या करना होगा उसके लिए? दीपक जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्दियों का मौसम आए या कोई भी मौसम रहे, जिस तरह एक मानव अपनी लाइफ में जो दैनिक क्रिया करता है उसी तरह अपने जीवन में शारीरिक व्यायाम को शामिल, लेकिन उनको ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, आज आधुनिक ज़िंदगी है, क्योंकि वह टाइम का अभाव होता है, तो मेरे सजेशन में इनके लिए ये रहेगा कि वो घर पे ही नहाने से पहले, बाथरूम में जाने से पहले अपने कमरे में ही एक कुछ वार्म अप एक्सरसाइज, उसके लिए क्या नाम, ऑन स्पॉट जॉगिंग कर सकता है, उसी कमरे में वो जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये करके 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद फिर अपने शरीर के जो अपर पार्ट है और मिडिल पार्ट लोअर पार्ट उसकी एक एक मिनट एक्सरसाइज करनी है। अपर पार्ट के लिए उनको सिर्फ जो पुशअप होती है लगाने के लिए वो लगातार पुशअप लगा सकते हैं, पेट के वाले पार्ट के लिए सिटअप लगा सकते हैं एक मिनट, और कमर के नीचे जो बड़ी मसल्स हैं उसके लिए एक मिनट तक लगातार वो स्क्वाट लगा सकते हैं, उठक बैठक लगा सकते हैं। ये अपने जीवन में शामिल करके और ओनली सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही अपने पूरे शरीर का एक्सरसाइज, जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है पूरे बॉडी में फैलता है, वो पूरा हर एक मसल्स में, हर एक जॉइंट की तरफ, हर एक जो उनके आर्टरीज वेंस हैं उन सबकी सफाई हो सकती है और वो अपने जीवन को स्वस्थ बन सकते हैं कम टाइम में। ये फिटनेस का एक मूल मंत्र है कि उनको रोज ही करना है, रोज करने मतलब क्या, रोज उनको वार्म अप होना है और उसके बाद फिर पाँच मिनट रेस्ट करके फिर जाके वो बाथिंग ले सकते हैं। इसके साथ आपको अपने खान पीन पर ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है कि आपको अपने नाश्ते पर ध्यान रखना है, उसमें आपको स्प्राउट शामिल करना है और उसको गुड़ के साथ, हनी के साथ या दलिया है, इसको मतलब अपने नाश्ते में शामिल करना है। दोपहर का लंच आपको ड्रॉप नहीं करना है, शाम का भी स्नैक्स आपको लेना है हल्का, और रात को भोजन 8 बजे या 9 बजे पहले आपको कर लेना है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।